नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर का प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है। पोषण ट्रैकर ऐप में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर का प्रोफाइल अपडेट करना है उसमें कौन कौन से डिटेल्स डालनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आज के इस वीडियो में डीपली जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना पोषण ट्रैकर ऐप कुछ इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, यानी कि जो आंगनवाड़ी सेविका है उनका यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट होगा। तो व्यू प्रोफाइल पे आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो डिटेल्स है वो भरा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देना है। जैसा कि आधार पे जो नंबर दिया गया है वो यहाँ पे 12 डिजिट का कोड आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे नेम वाले सेक्शन में आपका जो नाम है वो यहाँ पे हाइड रहेगा, यानी कि ये विभाग के तरफ से ही जो आपका नाम है यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर इस नाम में आपको मिसमैच लग रहा है तो आप अपने CDPO या LS से संपर्क करके यहाँ पे नाम को चेंज करवा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज फॉर आधार, जैसा कि आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ डाला गया है उसको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो विभाग के तरफ से आपको जीमेल आईडी बना के दिया गया है वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन है ये भी आपका जो है कि यहाँ पे हाइड रहेगा, यानी विभाग के तरफ से ही ये मोबाइल नंबर इसमें ऐड किया गया है। मोबाइल नंबर में भी कुछ गड़बड़ी हो तो आप LS और CDPO मैम से संपर्क करके यहाँ पर इसको चेंज करवा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का जो ऑप्शन है, इसमें आप कितने सालों से आंगनवाड़ी सेविका के पद पे हैं वो ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो इसमें आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिस्ट खुल के आ जाएगी कि आप कितना पढ़ाई की हैं, मैट्रिक की हैं, इंटर की हैं या BA किए हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो आप जो भी यहाँ पे एजुकेशन ली है, हाईएस्ट एजुकेशन जो भी आपका हो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगी। तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आंगनवाड़ी सेंटर का जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। उसके नीचे आंगनवाड़ी कोड यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा जो विभाग की ओर से ही यहाँ पे फिल किया रहेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पे सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका सक्सेसफुली जो प्रोफाइल अपडेट है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स का कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आंगनवाड़ी हेल्पर का प्रोफाइल अपडेट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर अपडेट AWH प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपडेट AWH प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जो आंगनवाड़ी सहायिका है उनका प्रोफाइल अपडेट यहाँ पे किया जाएगा, उनका डिटेल्स भरा जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देनी है, जो भी उनका आधार पे 12 डिजिट का कोड है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे नेम आप देख पाएंगे कि यहाँ नेम हाइड नहीं किया गया है, तो जो भी नेम एज फॉर आधार होगा वो यहाँ पर आप डाल देंगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज फॉर आधार, जैसा कि आधार पे लिखा हुआ है जो डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद मेल फीमेल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जीमेल आईडी अगर उनके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकती हैं। मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल देनी है, उनका वर्क एक्सपीरियंस भी डाल देनी है, ठीक है। वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, यानी उनका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करनी है कि यहाँ पर आके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। तो इस प्रकार से सबमिट करने के बाद आंगनवाड़ी हेल्पर का भी यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।